लो राइट। और हाल में कहूँ बुझत नहीं होई, मन इंचित पावे फल सोई। जय दुख निवारणी त्रिविधि ताप भव बंधन हारणी। जो या पढ़ाए और पढ़ावे, ध्यान सुन लगा कर सुनाए सुनावे। ताको कोई न रोग सता। छठ इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ नेपाल। इट इज़ सेलिब्रेटेड 6 days आफ्टर दीपावली इन द कार्तिक मंथ एंड इज़ अ 4-day फेस्टिवल। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू वर्शिप सूर्य एंड हर सिस्टर छठी मैया। तो छठ के फर्स्ट डे नहा खा होता है, जिसमें घर पे सात्विक खाना बनाया जाता है। जैसे हमारे घर पे चना दाल, अड़वा चावल, लौकी की सब्जी और पकौड़े बने थे। फिर सबसे पहले जिसने व्रत रखा होता है वो खाना खाता है। छठ में साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है, तो प्रसाद बनाने के लिए गेहूँ धो के छत पे सुखाते हैं। इस टाइम पे ये ध्यान रखना होता है कोई भी बर्ड इसे आके जूठा ना करते। सेकेंड डे खरना होता है, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी बनती है प्रसाद के लिए। इस दिन जिसका व्रत होता है वो दिन प्रसाद बनाता है और पूजा करने के बाद इसे खाते हैं। प्रसाद बनने के बाद इसे शाम में सबको दिया जाता है।
नहीं तो ऊपर टॉप पे चढ़ा। और ऐसे फेंकना नहीं है यार। डे थ्री संध्या अर्घ होता है, सो दिस डे स्पेंड प्रिपेयरिंग द प्रसाद एट होम। प्रसाद में ठेकुआ बनता है, वो गेहूं का आटा, गुड़ और घी से बनता है। तो हमने वही गेहूं लिया है जो कल छत पे सूख रहा था। ठेकुआ को शेप देने के बाद उसे फ्राई किया जाता है और हमारा प्रसाद बन जाता है। शाम में हम सारे लोग गंगा घाट पे गए संध्या अर्घ के लिए। फिर एक सूप में सारा प्रसाद, जैसे ठेकुआ, कच्चा हल्दी, कच्चा अदरक, स्वीट पोटैटो, अपनी आंवला, मूली, गन्ना, पान का पत्ता, काला चना और सीजनल फ्रूट्स रखा जाता है। और ये जो सूप होता है वो एक बैम्बू के टोकरे में रखा जाता है। फिर जो डूबता हुआ सूरज होता है उससे जिसने व्रत रखा होता है वो अर्घ देता है। और ये अर्घ हम किसी भी नदी के पास या फिर किसी भी वाटर बॉडी के पास दे सकते हैं। फोर्थ डे जो लास्ट डे होता है हमारे छठ का, उसे उषा अर्घ कहते हैं।
आखिरी दिन सनराइज़ के पहले सब उठ के नहा के गंगा घाट पे जाते हैं। फिर उसके बाद उषा अर्घ के लिए जिसने व्रत रखा होता है वो अर्घ देता है। अर्घ देने के बाद सबको प्रसाद मिलता है और वहीं पे व्रत की समाप्ति होती है। और ऐसे ही 4 दिनों का ये छठ त्यौहार मनाया जाता है। छठ खत्म होने के कुछ दिन बाद हमारे घर पे लिट्टी चोखा बना था। Oh, 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 oh